नमस्ते दोस्तों, आज हम द्वितीय विश्व युद्ध के एक क्रांतिकारी अध्याय में गोता लगाएंगे। मेसरश्मिट मी 262 की कहानी, जो दुनिया का पहला ऑपरेशनल जेट पावर्ड फाइटर एयरक्राफ्ट था। तैयार हैं देखने के लिए कि इस एयरक्राफ्ट ने आसमान कैसे बदल दिया। चलिए शुरू करते हैं। 1940 के दशक की शुरुआत में जब दुनिया संघर्ष में डूबी हुई थी, जर्मनी के आसमान में एक जबरदस्त विकास हो रहा था। मेसरश्मिट मी 262, जो बाद में हवाई लड़ाई की नींव हिला देगा, हकीकत बनने के रास्ते पर था। लेकिन मी 262 इतना खास क्यों था? देखिए, अपने समय के प्रोपेलर से चलने वाले फाइटर्स के विपरीत, मी 262 टर्बोजेट्स द्वारा संचालित था। यह जेट मेरे दोस्तों 870 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति तक पहुंच सकता था। यह बहुत तेज है, वाकई बहुत तेज, खासकर अपने एलाइट समकक्षों की तुलना में। जरा सोचिए, एलाइट पायलट्स को उस समय कैसा झटका लगा होगा जब उन्होंने पहली बार इस जेट को आसमान में अकल्पनीय गति से दौड़ते हुए देखा होगा। मी 262 का विकास बिना किसी बाधा के नहीं था। यह प्रोजेक्ट 1938 की शुरुआत में शुरू हुआ था, लेकिन इसे कई तकनीकी और नौकरशाही बाधाओं का सामना करना पड़ा। जुलाई 1942 में ही पहली सफल टेस्ट फ्लाइट हुई। फिर भी मी 262 को वास्तविक युद्ध में पेश किए जाने में 2 साल और लग गए। देरी क्यों हुई, आप पूछते हैं? ठीक है, इंजन की विश्वसनीयता के मुद्दे थे, और सच कहूं तो हिटलर सहित सैन्य नेतृत्व की कुछ झिझक थी, जिन्होंने शुरू में जोर देकर कहा था कि इस एयरक्राफ्ट को फाइटर के बजाय बॉम्बर के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। 1944 में जब मी 262 आखिरकार युद्ध के मैदान में उतरा, तो इसने तुरंत प्रभाव डाला। इसकी उन्नत तकनीक ने इसे दुश्मन के फाइटर्स को आसानी से पीछे छोड़ने की अनुमति दी, जिससे यह हवा में एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बन गया। मी 262 के पायलट्स ने कुल 500 से अधिक एलाइड एयरक्राफ्ट को नष्ट करने का दावा किया, हालांकि भारी कीमत पर। युद्ध में लगभग 100 मी 262 खो गए। अपने कौशल के बावजूद मी 262 जर्मनी के पक्ष में युद्ध का रुख नहीं मोड़ सका। शुरुआती झटकों से सीखते हुए एलाइड बलों ने तेजी से अनुकूलन किया। उन्होंने टेकोनफ और लैंडिंग के दौरान जेट्स पर हमला करने जैसी रणनीति विकसित की, जब वे सबसे कमजोर थे। साथ ही ऑपरेशन में अपेक्षाकृत कम मी 262 एस पर एलाइड एयरक्राफ्ट की भारी संख्या